हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, और आप दोनों की अभी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक, आप दोनों की फीलिंग्स यानी कि यू वर्सेस देखेंगे हम दोनों की करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे हम कुछ उनके लव मैसेजेस जो वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। इसके साथ ही बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, कहीं और दूसरा नंबर नहीं है मेरा। ओके, और ये भी बता दूं कि ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, सो ब्रेसलेट की भी बुकिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, ये मैं ब्रेसलेट आपको दे रही हूँ चार्ज करके। ओके, तो चलिए अब करते हैं रीडिंग को फटाफट स्टार्ट और देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं। तो दोनों के लिए मैं दो डेक का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले डेक का यूज़ करूँगी और उसके बाद ये यूज़ करूँगी, यानी कि इससे जो है आपके पार्टनर की फीलिंग देखूँगी और इससे आपकी फीलिंग्स को मैं देखूँगी। ठीक है, तो कार्ड्स निकालते हैं आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले। प्लीज गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। ओके, लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, फाइव कार्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर का फोर ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी मिस करते हैं आपको, ये मिस करने वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इनकी। काफ़ी मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। चलिए आपके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, है ना। सो आप उनकी जान हो। आपको हो सकता है कि कभी आपके पार्टनर जान कह के भी बुलाते हो, क्योंकि मुझे ये वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है, जान। आपकी करंट फीलिंग्स, चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके कार्मिक हैं? आप अपने वर्क में, अपने करियर में भी व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने वर्क में, अपने करियर में, है ना। और ऐसा कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका, आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। चलो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं मुझे। आपके पार्टनर का कार्ड है टेन ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड। द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड है मेरे पास एस ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द फूल एंड मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं आपके पार्टनर के और आपके। देखो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है सबसे पहले तो, कि आपके पार्टनर काफ़ी उदास उदास हैं, काफ़ी परेशान परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। एकदम से उदासी परेशानी इनके ऊपर छा जाती है, कहीं इनका मन नहीं लगता, कहीं ये पर्सन, कहीं हद तक इनके दोस्त भी चाहते हैं कि हाँ ये घूमे फिरे इनके साथ, उनके साथ मौज मस्ती करे, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाते। इनका दिख रहा है कि बहुत बहुत सारे लोग हैं
जो कि इनको चाहते हैं कि हाँ अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए, अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए, अपने साथ इनको रखा जाए, इनसे बातें की जाए, है ना, इनसे एक एक पॉजिटिव वाइब्स लिया जाए, इनसे कोई आइडिया लिया जाए, इनसे काम निकलवाया जाए, है ना। लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी उदास उदास रहते हैं, काफ़ी परेशान परेशान रहते हैं आपके बारे में सोच सोच करके। ये पर्सन काफ़ी उदास हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनकी उदासी क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं ये भी देखूँ कि आपके पार्टनर जो है ना, मुझे दिखता है कि बहुत जैसे कि है ना, चांदनी रातों में बैठ करके आपको मिस करना इनका सबसे ज़्यादा वो फेवरेट जो होता है ना, कि वो इनका हो गया है कि चांदनी रात में बैठ करके अकेले आपको मिस करना और आपसे रिलेटेड जो है ना, आपके साथ बीते हुए पल को याद करना, आपसे रिलेटेड बातों को याद करना, है ना। ये पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर कहीं हद तक मैं देखूँ तो आपके पार्टनर और आपका रिलेशन मुझे लगता है कि बहुत पुराना है, ओल्ड रिलेशनशिप है आप दोनों का, और कुछ लोगों का नया भी हो सकता है, लेकिन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है और सोलमेट कनेक्शन का ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और अभी भी जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ, ठीक है, देखो इनको हमेशा डर रहता है, ये इनसिक्योर फील करते हैं हमेशा ही। ये होता है ना कि हाँ आपके पार्टनर जो है ना, कभी आपको खोना नहीं चाहते हैं, कभी आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हालातों ने मजबूर कर दिया और हालातों ने कुछ ऐसा मजबूर किया कि आप दोनों ही अलग हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों की मैरिज हो चुकी है, आपके आपके पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छी मैरिज जा रही थी, लेकिन यहाँ पे अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, बदलाव आ गया, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हो गए। मुझे टेन ऑफ कप्स की एनर्जी से यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्यार करते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके साथ रीयूनियन की चाहत भी है इनकी, इनकी फीलिंग्स के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि ये रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, और यहाँ पे काफ़ी पैशनेट भी हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हमेशा कुछ नया, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करने की चाहत, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाहत यहाँ पे इनके दिल में, इनके मन में यहाँ पे लगी रहती है। यहाँ पे हमेशा जो है ना, इनकी चाहत रहती है कि हाँ कुछ नया हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कुछ ऐसा हो जाए जो जो यादगार हो जाए, है ना, हम दोनों का बॉन्ड बन जाए, हम दोनों के बीच में बैलेंस बन जाए। ये पर्सन कहीं हद तक ये भी जानते हैं कि इन्होंने जो है ना आपके साथ अच्छा नहीं किया है, और इनका जो है इनको रिग्रेट फील होता है कहीं हद तक जो है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये पर्सन अकेलापन फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, और अकेलापन फील करने के कारण से मुझे यहाँ पे ये पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन इसके साथ ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि पता नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो इस तरीके से हाँ ना वाली भी एनर्जी है इनकी, यह मुझे नज़र आ रही है कि इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से भी है, इस तरीके की भी है, ठीक। यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन हाथ मिलाने को तैयार है, मतलब कि आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार है ये पर्सन। यहाँ पे करेंट फीलिंग्स में मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन की चाहत हो रही है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, ठीक है। तो बात करते हैं आगे कार्ड्स के, आगे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके कि आपके आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी मैंने देख ली, आपकी एनर्जी मैं चेक करूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप भी कहीं हद तक अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। आप भी सोच रहे हो कि मुझे ही कॉल कर लेना चाहिए, मुझे ही मैसेज कर लेना चाहिए, मुझे ही बात कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, और इसके साथ ही दिख रहा है कि आप जो है एक, देखो आप चाहते हो कि आप दोनों का बीच का प्यार हमेशा बना रहे। यहाँ पे करेंट फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा न्यू बिगनिंग का वेट करते हो, ठीक है, आप उनके प्रपोजल का, उनके कमिटमेंट का वेट करते हो और अभी भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप दोनों की लव लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि आपके पार्टनर कहीं हद तक आप चाहते हो कि ये एक्शन ले, ये उन सारी चीज़ों से लड़े, लेकिन आपके पर्सन की जो है कंडीशन कहें या फिर आपके पर्सन का हिम्मत नहीं है कि हाँ ये आगे बढ़े आपकी तरफ, ठीक है।
तो मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, इसकी वजह से आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है कि हाँ अब ईश्वर ही जाने कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई हद तक जो है ना आप अपने आप को समेट रहे हो, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप समेट रहे हो अपने आप को। और यहाँ पे यही दिखता है कि आप कहीं हद तक काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है। यहाँ पे मैच्योरिटी का तो खैर दोनों ही दिख रहा है कि मैच्योर हो, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने वर्क पे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। आपको काम से शायद फुर्सत नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप जो है ना अपने पार्टनर के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो। अभी खुद को बचाना चाहते हो, अभी आप भी चाहते हो कि हाँ मैं उस तरीके से ना जाऊँ, उस तरीके से ना कहूँ, है ना। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं हद तक अपने आप को जो है ना एक एक तरीके से बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कहीं हद तक जो है ना उस चीज़ से जो है ना फेस नहीं करना चाहते, उनको जो है ना वो उंगली नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो जो है ना एक्सेप्ट करे पहले, ठीक है, मेरे बिना कुछ किए ही वो एक्सेप्ट करे, अपनी फैमिली से बात करे। मैं बार 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 उसको जो है ना परेशान करना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है, और हो सकता है कि आपके पास डॉगी भी हो, है ना, आपने डॉगी रखा हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप डॉगी के हो सकता है शौकीन हो, आपके घर में हो या आपके पार्टनर के पास हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, अभी फ़िलहाल मैं देखूँ तो आप अपने पैसों के बारे में भी सोच रहे हो, अपने फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, तो अपने पार्टनर के आने का वेट है, बट यहाँ पे आपकी ज़िंदगी रुकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, सही तरीके से चल रही हैं, और यहाँ पे आपकी पार्टनर की भी लाइफ में चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी उदास रहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, मैं बता देती हूँ पहले, वरना कुछ लोग कहेंगे कि अरे मैम आपने तो मेरी एनर्जी बता दी मेरे पार्टनर की। तो एनर्जी वाइस वर्सा होती है यू वर्सेस देम में, ठीक है। चलो अब कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए, कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके तरफ, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलो कार्ड्स निकालते हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाव, लव बिगिंस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, वाव, न्यू बिगनिंग, फिर से एक न्यू बिगनिंग, फिर से आप दोनों के प्यार की शुरुआत, फिर से आप दोनों के फीलिंग्स, इमोशंस फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रुथ का कार्ड है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड है मेरे पास यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, सबसे पहले तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर की एनर्जी मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे यही दिख रहा है कि हाँ ये वेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ सपने हैं इनके जिनके पूरे होने का ये पर्सन जो है ना वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इनको सपने अपने पूरे करने हैं, जिसको लेकर के जो है ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और उन सपनों को पूरा करना सबसे पहले इनकी मतलब कि होता है ना कि हाँ मेरा सपना है तो मुझे पूरा करना ही करना है, तो वो है आपके पार्टनर का, ठीक है, कि आपके पार्टनर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ पे वही उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, और वो जब इनकी ज़िंदगी में हो जाएगा ना, ये पर्सन भागते भागते आपके पास आएंगे, भागते भागते जो है ना आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये पर्सन जो है ना एक्शन भी लेंगे, यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन एक्शन ले लेंगे कुछ टाइम में, बस इनका इंतज़ार चल रहा है, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। चलो कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
प्लीज गाइड कीजिएगा। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट मैसेज है, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस। वाओ, हाउ यू वॉर्प यू योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। ओके, आई लव टू टिकल योर फीट। ओके, यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बींग। वी लॉस ट्रैक ऑफ टाइम वैन वी आर टुगेदर। ठीक है, सो ये है आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस उनके, सो आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।